पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। बड़ी बार हमारी जंग भी हुई, लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए। अब नया जो सिलसिला है पीओके में, जो एक इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो भी एक कारण है। एक कश्मीर में जहां तक हुर्रियत और जमायत इस्लामी का था, जो हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, आज उनको हर तरीके से खत्म कर दिया गया है। पत्थरबाजी हो, रोजमर्रा के वहां पर जो बंद रहते थे वो हो, और ये मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे, आज इस पर चेक लगा है, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता। अब उन्होंने पुंछ राजौरी की तरफ, जो हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार की सीमा है जिस पर कि पहाड़ हैं, कुछ और हैं, जहां पर भी हालांकि सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये हमला हुआ है, इससे पहले भी दो तीन हमले हुए। ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं है, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में खत्म किया है, लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही, तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों लेकिन को। आपको लगता है कि बच्चों का टारगेट करना किसी तरीके का इंसानियत या फिर आतंकवादियों के लिए? देखिए, इंसानियत नाम की उनमें चीज ना, उनका कोई धर्म रहता है ना उनका कुछ ये रहता है कि किसको मारना है, सिर्फ टेरर फैलाना ये उनका काम है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सभी लोग इस तरह के अटैक करते हैं, लोकल इन्फॉर्मर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है, पुलिस बल एजेंसियां इसको ढूंढ लगा रही, पहले भी कई लोगों का पता लगा है, उनको परेक्शन भी हुआ है, तो जल्द ही इस पर एक्शन होगा। हमें अपनी फोर्सेस पर विश्वास करना होगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। आपको लगता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक देखिए, सरकार भी बन चुकी है इस देश में? हाँ बिल्कुल, ये मैसेज इंटरनेशनल, हालांकि पाकिस्तान को आप समझते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी आइसोलेट कर दिया गया आतंकवाद के कारण से, पाकिस्तान कुछ ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। उधर बलूचिस्तान में चले जाओ, सिंध में चले जाओ, कराची में चले जाओ, पीओके में चले जाओ, सही जगह आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब भुखमरी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, आईएसआई अलग से अपना और आर्मी अपना अलग से ये दुकान खोल करके बैठी है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। लोग विश्व स्तर पर हम इस पर आवाज भी उठाते हैं, और वो उस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान टेरर फैलाने वाला आतंकी देश है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपको लगता है कि कल के टाइमिंग को लेकर कोई इन लोगों ने रणनीति बनाई हो, जब देश में तीसरी बार ऐतिहासिक क्षण था कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले हाँ, रहे इस हैं? प्रकार का मैसेज देने का प्रयास भी करते हैं। और दूसरा चिंता का विषय है, उसके कुछ किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी के दरबार में 1 करोड़ यात्री हर वर्ष आते हैं, ये उनको डराने का भी एक प्रयास किया गया है, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है।